हेलो फ्रेंड्स, हाय, जय श्री राम। आज मेरा तीसरा ब्लॉग है और मैं जा रहा हूँ कहीं सब ऐसे ही घर के लिए थोड़ा सा मन अमन लेने। आपको दिखाता हूँ कहाँ चल रहा हूँ। आज मैं दिखाऊंगा आपको, दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई। एक्चुअली मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं कहाँ ज़िंदगी बीत रही है, लेकिन बीत रही है, टाइम मिल नहीं पा रहा है। और देखिए कितनी बड़ी हो गई है। कोई नहीं बनाएगा तेरा भाई, चिल मैं। और हम आ चुके हैं घर से निकल के अपने नाका चुंगी पे, रिलायंस स्मार्ट। बहुत अच्छा पॉइंट है ये शॉपिंग के लिए। मैं अक्सर ही घर पे जब भी सामान खत्म हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं स्मार्ट रिलायंस में एंट्री कर चुका हूँ। देखिए अंदर सब, शुरुआती में कैश काउंटर लगा हुआ है, 3 कैश काउंटर है यहाँ पे बिल पे करने के लिए। देखिए कितना अच्छा से है, सारे सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं रहता आपको सामान ना मिले, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो रोड की दुकान में और इसमें थोड़ा बहुत फर्क रहता है, और सामान आपको अच्छे से पैकिंग, हर चीज़ बेस्ट सर्विस रहती है, आपको सारे सामान यहाँ मिल जाते हैं। आप देखिए यहाँ शॉप्स लगे हैं, यहाँ आपके टी लगे हैं, ग्रीन टी हो जाती है, हर चीज़। मतलब आपको कोई चीज़ बाहर से नहीं लेने की जरूरत है, यहाँ तक कि एग भी मिलता है आपको। बस थोड़ा सा चिकन मटन नहीं मिलता तो पूरा आप यहाँ पर मॉल ही बन जाता पूरी तरह से। और ये सिंगल ही स्टोर पे है, सेकंड फ्लोर नहीं ना, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है पूरा, हर एक एक आइटम बहुत ही अच्छे से लगा हुआ। इनका एक और है, ये आपको देवकाली पे मिलेगा, रिलायंस स्मार्ट के नाम से है, ये देवकाली मंदिर के आगे साइड पड़ता है। और दूसरा यहाँ पे नाका चुंगी पे है स्पेशल। बाहर इतनी बारिश हो रही थी, मैं बारिश भीगते हुए आया हूँ। घर से निकला था, बारिश नॉर्मली था और इतनी बारिश हुई, ये देख लीजिए आप नीचे से मुझे ऊपर तक पूरा मैं कितना भीग गया हूँ। लेकिन कोई नहीं, स्मार्ट बाजार में आया हूँ, सूख भी जाऊँगा, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पहले जैसे जमानों में शॉप चलते थे, आज बहुत सालों बाद ऐसे तरह की शॉप देखा हूँ। इसमें 3 फ्लेवर थी। पहला फ्लेवर ये था आपका सैंडलवुड शॉप, ये नॉर्मली ऐसे ऊपर से पॉलिथीन में पैक है, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये रोज है, इसमें रोज की स्मेल आती है। और तीसरा जो था ये एलोवेरा वाला था, एरोवेला शॉप था, मैं ख़रीदा भी उसको, शॉप बाई भी किया हूँ आज, ट्राई देखता हूँ कैसा शॉप है। 3 तरह के शॉप हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ इस तरह के शॉप। मुझे अच्छा लगा ये, ऊपर से देखने में बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, स्मेल भी बहुत अच्छी थी इसकी, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ और बाकी यूज़ करने के बाद पता चलेगा। यहाँ के स्टाफ की बात करूँ तो बहुत अच्छे स्टाफ हैं, हेल्प करते हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब कभी इधर उधर नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे स्टाफ हैं यहाँ सारे। मैंने इन्होंने इनके स्टाफ से 5 किलो चीनी बोला है, ये देखिए मेरे डाल भी रहे हैं। ये देखिए लगता है मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है, और सबसे फेवरेट मेरी डालमोट मिल गई थी, देखिए पीनट, बहुत बहुत मेरी फेवरेट डालमोट है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, आप भी ट्राई किया करिए। बहुत आइटम लगे रहते हैं, खाने का तो सब मन करता है, सब ना ले जाऊँ। और दूसरी चीज़ इन्होंने इसके अंदर मेडिकल स्कूल बनाया है नेट मैक्स के नाम से, कैश काउंटर पर अकेले हैं। आपका भाई घर से भिजते हुए आया था, अभी भी बारिश हो रही, मैं शॉपिंग करके बाहर निकल चुका हूँ, अभी तक बारिश हो रही। नीचे आपका जेल बार मिल जाता है, चाय जेल बार, बहुत अच्छा बना है, पूरी जेल की तरह पूरी अच्छे से बनाया गया, आप एक बार ट्राई करिएगा जाके वहीं से। और ये आपका भाई आ गया रेस्टोरेंट, घर में खाना खाने का मन नहीं था, मैंने कहा सब्जी घर के लिए पैक करा के ले चलता हूँ, घर पे खाऊंगा आराम से, क्योंकि घर का खाना रोज खाने से मन थोड़ा वो हो जाता है। ये घर जैसा 2.0 रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, फैमिली के लिए, सिंगल,
कोई भी आ सकता है, बोट कोई भी आ सकता है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हैं कितनी क्राउड है यहाँ पे, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे, लोगों को जगह नहीं मिल पाता बैठने के, लोग आते हैं वापस भी चले जाते हैं। एक्चुअली में संडे सैटरडे छुट्टी के दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। देखिए सब सारी लोग की फैमिली आई है यहाँ पे, देखिए सब कितने खुश हैं, सब एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और ये भाई का काउंटर है, यहाँ पे आप कुछ अगर घर के लिए खाना पैक करा सकते डायरेक्ट आप यहाँ पे बोल सकते हैं, पैक करवा देंगे, और नहीं तो सिर्फ टेबल टू टेबल जाते रहते हैं, आपको जो चाहिए खुद ऑर्डर दीजिए, आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है ये बर्थडे चार्ज 500 रुपए है। अगर आप स्टेज पे बर्थडे मनवाना चाहते हैं तो 500 रुपए उसको पे करना पड़ेगा, और आप आराम से बर्थडे यहाँ पे मना सकते हैं। आपके लिए पूरा डेकोरेट हुआ हुआ है, हैप्पी बर्थडे सब चीज लिखा हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से। दूसरी चीज और खाना मैं पैक करा चुका हूँ, अभी बारिश हो रही है, ये भी नाटाई कुंजी पे पड़ता है मेन जगह पे, लेकिन क्या है मैं बाहर आपको ये शॉप नहीं दिखा सकता क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, तो मैं आपको दिखाता घर जैसा रेस्टोरेंट बाहर से। कैसे बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।